आरोप से जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके सियासी खलबली मचा दी। 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से निकले अरविंद केजरीवाल आज पहली बार आम आदमी पार्टी के दफ्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन के बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ, जनता की अदालत में आया हूँ, आपसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा? केजरीवाल ने फिलहाल इसका इशारा भी नहीं किया, लेकिन उनके इस अप्रत्याशित ऐलान की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि केजरीवाल ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव सर पर है, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वह आप और कांग्रेस में गठबंधन की खबर पर ब्रेक लग चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया, यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते। ऐसे में दिल्ली सीएम की कुर्सी छोड़कर केजरीवाल हरियाणा चुनाव को टारगेट कर रहे हैं या उनकी नजर 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है, इसे लेकर भी सियासी गुड़ागड़ित का हिसाब लगाया जा रहा है। तुम पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। सीएम रहते हुए दफ्तर नहीं जा सकते, सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। जेल जाने के बाद से दिल्ली के जरूरी काम पर ब्रेक लगा है। काम नहीं होने से दिल्ली की जनता नाराज है, घोटाले के आरोपों से छवि खराब हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल इस्तीफे वाली चाल चलकर अपनी छवि के साथ साथ आम आदमी पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है, बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए, और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। बहरहाल
राजनीतिक टिप्पणी पड़ी और सियासी गुड़ागढ़ अब भी चल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल ने इस्तीफे की चाल चलकर एक बार फिर से अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अब देखना ये कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के चश्मे से केजरीवाल को देखती है या फिर उनके दावों की पोल खोलती विपक्षी दलों पर भरोसा करती है। पूछना चाहता हूँ, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या रिपब्लिक।